नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क्यूपटेरिक्स इज अ ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये आर्क्यूपटेरिक्स जो कि एक फॉसिल है, फॉसिल मतलब ये अभी मौजूद नहीं बल्कि इसके जो है ये पत्थर या मिट्टी वगैरह में 150 मिलियन ईयर्स पहले जो है इसके हमें मिले थे कुछ हिस्से बॉडी के, तो ये फॉसिल ठीक है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बर्ड है जिसमें कैरेक्टर्स जो है कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स भी हैं जो किसी और ग्रुप से जो रिजेंबल करते हैं। अब वो कौन सा ग्रुप है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें दिखते हैं कि इसमें बर्ड से जो है मिलते जुलते फीचर्स हैं वो कौन से हैं। एक तो ये है कि इसकी जो बॉडी है वो फैदर से कवर हुई हुई है, दूसरा इसमें विंग्स हैं, तीसरा इसमें जो है इसकी बीक भी है ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है जो हमारी आज की बर्ड है उससे मिलते जुलते हैं। अब वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन से फीचर्स हैं जो कि आज की बर्ड्स में मौजूद नहीं हैं। अब यहाँ लिखा है बीक विथ थीकोडोंट टीथ। अब हमारे जो आज की जो बर्ड है उसके तो बीक में टीथ नहीं होते, तो ये करेक्टर आज की बर्ड का नहीं है। इसके अलावा इसके जो विंग्स हैं इसमें यहाँ पे देखें क्लॉस शो किए हुए हैं, तो आज की जो बर्ड्स है उसके विंग्स में जो है क्लॉस ही मौजूद नहीं होते। हाँ इसके जो पाँव होते हैं बर्ड्स के उनमें क्लॉस मौजूद होते हैं लेकिन विंग्स में नहीं होते। और तीसरा ये कि जो इसकी टेल है इसकी टेल में जो वर्टिब्रे मौजूद है, तो जो आज की बर्ड्स हैं उनके टेल में जो वर्टिब्रे भी मौजूद नहीं होते। तो ये सारे फीचर्स जो है वो रेप्टाइल्स के हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज रेप्टाइल एंड बर्ड। और इसे आर्क्योप्टेरिक्स को जो है कनेक्टेड लिंक भी कहा जाता है रेप्टाइल और बर्ड का।